हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ इंग्लिश सिलेबस में आपने प्रोज के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर गोना रीड अबाउट द चैप्टर। आज आप पढ़ने वाले हैं इसे आर इंडियन म्यूजिक स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। हमारा भारतीय संगीत कला और कहानियाँ, संगीत कला और कहानियाँ, ये आर श्रीनिवासन द्वारा लिखा गया है। बहुत प्यारी कहानी, पढ़िएगा ध्यान से। चलिए, म्यूजिक हैज ऑलवेज हैड अ पावर टू स्टर आर इमोशन डीपली। संगीत के अंदर हमेशा एक शक्ति रही है हमें गहराई से समझाने के लिए, समझने के लिए। द बेस्ट परफॉर्मेंस गिवन बाय मोस्ट ऑफ आर ट्रूली ग्रेट म्यूजिशियन। हमारे बहुत सारे महान संगीतकारों ने बहुत अद्भुत संगीत कला हमारे सामने प्रस्तुत की है। हैव बीन मोस्ट व्हेन दे हैव सॉन्ग और प्लेड स्पॉन्टेनियसली। जब वे गाते हैं बहुत ज़्यादा मोहित होकर, बहुत ज़्यादा लगन के साथ, अर्ज बाय इनर नीड्स, जो अंदर से उनकी आत्मा से आवाज़ निकलती है। टू पोर द म्यूजिक म्यूजिक ही स्टोरी द स्टोरी ऑफ अ ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन विच अंडरलाइंड दिस पॉइंट। यहाँ पर एक ऐसे महान संगीतकार की कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग। भारतीय संगीत की जो कहानी है, इतिहास है, वो बहुत अनूठा है, अनोखा है। द स्टोरी एंड एनेक्डोट्स, वो कहानियाँ हैं और लघु कथाएँ हैं बहुत सारी जुड़ी हुई। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इट्स सेल्फ स्टोरी। कैसे संगीत और दूसरी कला कैसे दुनिया में आई, ये भी एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने इस यूनिवर्स की रचना की। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुल ब्यूटिफुल एंड चेंटिंग थिंग। उन्होंने बनाई बहुत सुंदर वस्तुएं, आश्चर्यजनक वस्तुएं और मोहित कर देने वाली वस्तुएं। ही क्रिएटेड द मेजेस्टिक माउंटेन। उन्होंने ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला बनाई। द थंडरिंग वाटरफॉल, कल कल करते हुए झरने बनाए। एंड द जायंट फॉरेस्ट, बड़े बड़े जंगल बनाए। ये ऑल्सो निम्बल डियर, गति करते हुए हिरन बनाए। एंड द कलरफुल पीकॉक, रंग बिरंगे मोर बनाए। एंड द एग्जिक्ट फ्लावर्स, और मुस्कुराते हुए मोहित करते हुए पुष्प बनाए। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद द ब्यूटी। सारा का सारा संसार उन्होंने सुंदरता से भर दिया, चार्म एंड स्प्लेंडर, शानदार चीज़ों से। बट ही वॉज सेट, परंतु वे फिर भी दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती, उनकी पत्नी कर सरस्वती जो है वो आस्क हिम, उनसे पूछती हैं द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस। बताओ आप क्यों दुखी हो, आपके दुख का कारण क्या है। इतना सब कुछ बताया आप, बनाया आपने, फिर आप क्यों दुखी हो। ब्रह्मा सेट, ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, comment.com, it is true, सच कहती हो। I have created all this wonder and charm and showed beauty everywhere। मैंने सब कुछ बनाया है और सब कुछ अच्छे से मैंने फैलाया है, सब कुछ बनाकर। बट वट इज़ दिस यूज़, परंतु इसका इस्तेमाल क्या है। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल, मानवीय आत्मा, सिंपली पास देम, धीरे से उनके पास से गुजर जाते हैं। दे डोंट सीम टू बी सेंसिटिव द ब्यूटी एंड अराउंड, और वे बिल्कुल भी इस तरफ प्यार से देखते नहीं हैं, बिल्कुल भी सराहते नहीं हैं, बिल्कुल भी मेरी सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा नहीं करते हैं। इट सीम्स टू हैव वी इन्वेस्टेड ऑन देम, ऐसा लगता है ये सब चीज़ें उनके लिए बेकार हैं, व्यर्थ है। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, ये सब उनके लिए बेकार लगता है। मदर सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग। सरस्वती ने, माँ सरस्वती ने उनकी भावनाओं को समझा। एंड टोल्ड हिम, कहा, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, इस महान काम में मुझे भी थोड़ा सा भाग लेने दो। यू हैव क्रिएटेड ऑल द ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। आई क्रिएटेड इन चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, और मैं अपने इन बच्चों को इन सुंदर वस्तुओं का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, सराहना सिखाऊंगी। आई शैल क्रिएट इन आर चिल्ड्रन पावर टू रिस्पॉन्ड टू अप्रिशिएट टू अपलिफ्टेड देम, और न केवल ये प्रशंसा करेंगे बल्कि ये उनका स्थान भी ऊँचा उठाएंगे। आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट, मैं उन्हें संगीत दूंगी और दूसरी कला दूंगी, विच विल ड्रॉ
आउट फ्रॉम द डीप विद इन देम कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड मेजेस्टिक स्प्लेंडर एक्विजिटिव चार्म एंड वंडरस ब्यूटी ऑफ क्रिएशन। इस प्रकार वह इस सुंदर रचना को सराहेंगे। तो इस तरह से बेटा आपने तीन पैराग्राफ पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छोटी सी वीडियो बनाई मैंने, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यही आपका होमवर्क है। ओके बच्चों।